أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum Class 8, Subject English Topic Summer and Winter Part 2nd Dear students, this is a poem The name of the poem is Summer and Winter Today I discuss with you in this offline class Part 2nd of this poem Dear students, कल मैंने इस पोएम का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया लेकिन ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चे नहीं आए कल इसलिए मैंने आज समझा आज मैं इस लेसन को पहले पार्ट को भी टच करूं और दूसरे पार्ट को भी मैं पढ़ाऊं आज इन दिस ऑफलाइन क्लास ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचे आठवीं जमात के सभी बच्चों के पास पहुंचे ये वीडियो डियर स्टूडेंट्स This poem is written by P.B. Shelley. In this poem, the poet discusses about summer and winter. The poet P.B. Shelley comparison between summer and winter. उन दोनों को ये comparison करता है summer और winter को comparison करता है पहले बच्चों पहले आप ये समझ लीजिए कि summer और winter क्या होता है summer जो आपको पता ही होगा कि साल में चार मौसम है there are four seasons in a year. साल में चार मौसम होते हैं स्प्रिंग एक होता है स्प्रिंग मौसम दूसरा होता है समर तीसरा होता है ऑटम और चौथा होता है विंटर डियर स्टूडेंट्स ये चार मौसम होते हैं साल में ये चार मौसम होते हैं साल में लेकिन हर मौसम के एक अपने अपनी अहमियत होती है लेकिन इस पोएम में पोएट दो मौसम के बारे में हमें बता रहा है और उन दोनों को कंपैरिजन कर रहा है आपस में एक ये एक समर को और दूसरा विंटर को इस स्प्रिंग और ऑटम के दरमियान में कोई नहीं हमें इन दोनों के दरमियान ये नहीं बता रहा है ये स्प्रिंग और ऑटम के दरमियान खाली ये यहां पर इस पोएम में बीबी शेल ये बता रहा है कि समर में कितना अच्छा मौसम होता है और विंटर में कितना अच्छा मौसम होता है कि हाथ उस वक्त सर्दी होती है ये उन दोनों को देर समर और विंटर के दरमियान कंपैरिजन करते हैं आपस में पीवी शेली नाउ आई शैल स्टार्ट दिस पॉइंट द पोएट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन समर एंड विंटर ही ड्रॉज दिस कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल इमेज समर इज प्रेजेंटेड एज ब्राइट एंड जॉयफुल इट सिंबलाइजेस हैप्पीनेस व्हाइल एज विंटर सिंबलाइजेस लाइफलेसनेस The poet makes a comparison between summer and winter. मैंने पहले भी कहा है आपको कि ये poet इस poem में comparison करता है, मवाजना करता है summer और winter को आपस में comparison करता है कि summer में कितना अच्छा मौसम होता है और winter में हम क्या करते हैं, कितनी सर्दी होती है, हम मकानों के अंदर होते हैं सर्दी की वजह से. He draws this comparison with the help of beautiful things. अतः कि वो draw this comparison जो poet comparison करता है लेकिन वो मुख्तलिफ हमें इमेजेस बता रहा है कि समर में कितनी अच्छी कितना अच्छा मौसम होता है बागात होते हैं मेवे होते हैं खेत में धान होती है सब कुछ होता है कि अच्छा मौसम है लोग अपने कामों में अपने कामों में जाते हैं ये समर में होता है समर इज प्रेजेंट एज ब्राइट एंड जॉयफुल यहाँ पर पॉइंट ये बता रहे जो समर है ये समर जो है ये यहाँ पर ये प्रेजेंट करता है कि ये ब्राइट एंड जॉयफुल है समर जो है ये बहुत ही चमकेला होता है और हमें खुशी होती है समर में इट सिंबलाइज हैप्पीनेस जो समर यहाँ पर ये सिंबलाइज करता है हमें ये इजहार करता है कि वहां पर खुशी होती है समर में लोगों को खुशी होती है व्हाइल एज विंटर सिंबलाइज लाइफलेसनेस लेकिन जो समा होता है विंटर होता है वहां पर लोग ये समझेंगे यहाँ पर पॉइंट ये कह रहा है कि समा में हाथाई हम ये कहें कि जिंदगी नहीं होती है लाइफलेसनेस कि लोग अपने अपने घरों में सहमे हुए हैं वो अपने घरों में सहमे हुए होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते क्योंकि बाहर सर्दी होती है बर्फ होती है बिल्कुल हम अंदर 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 रहते हैं इसलिए कहते हैं कि जो विंटर होता है वो लाइफलेसनेस होता है नाउ आई शुड स्टार्ट द पॉइंट इट वॉज अ ब्राइट एंड चीयरफुल आफ्टरनून टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून व्हेन द नॉर्थ विंड कंजर्गेट्स इन क्रॉड्स The floating mountains of the silver clouds from the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoice beneath the sun. The weeds
the river and the cornfields and the reeds, the willow leaves that glance in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. This is the first stanza. Now stanza number second. It was a winter such as when birds die in the deep hole steps, in the deep forests, and the fishes lie stagnant in the translucent ice, which makes even the mud and slim of the warm lakes a wrinkled cloud as hard as brick, and one among their children comfortable man. Gather about great fires and yet feel cold, alas, than for the homeless beggar old. Now, it was bright and cheerful afternoon toward the end of the sunny month of June. Now, this season, first of all, the point that we initially discuss about summer. Now we discuss about the summer. What happens in the summer? जो समर जो मौसम गर्मा होता है इसमें क्या क्या होता है, हालांकि इसने हेडिंग में ही कहा है पीबी शैले ने, जो ये समर है वहां उस वक्त क्या होता है, ये बिल्कुल जो ब्राइट एंड जॉय, हाँ उस वक्त बिल्कुल ये दुनिया जो चमकती है समर में और लोग खुश होते हैं समर में। इसलिए पॉइंट सेज दैट समर सिंबलाइज लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड विंटर सिंबलाइजेस death and blackness. The poet begins his poem when he says that it was bright and cheerful autumn of the end of the June. The north wind was gathering in clouds and silver clouds floating over the clear and stands. This season, summer starts in the month of June. June ke mahine se ye mausme garma shuru hota hai. It was bright and cheerful afternoon toward the end of the sunny month of June. Sunny. धूप से बराबर जून मौसम गर्मा का पहला महीना होता है। जून से ये शुरू होता है मौसम गर्मा, चीरफुल बड़े खुश आफ्टरनून। जून से मौसम गर्मा शुरू होता है, बड़ा चमकेला लगता है ये मौसम। व्हेन द नॉर्थ विंड कंजर्गेट्स इन क्राउड्स द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, उस वक्त क्या होता है, नॉर्थ विंड कम्स इन क्राउड्स, जो नॉर्थ विंड होते हैं, द नॉर्थ विंड माने है शुमाल के समंदर की तरफ से आने वाली हवा जो बहुत बारिश लाती है। इस मौसम में गर्मा में क्या होता है, नॉर्थ विंड आ रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से वो इकट्ठे आते हैं, कंजर्गेट्स मीन्स टूगेदर, टू कम टूगेदर, इकट्ठे कर रहे, इकट्ठे आते हैं बहुत से क्लाउड्स, ये जो नॉर्थ विंड एट ए टाइम सभी आते हैं। व्हेन द नॉर्थ विंड कंजर्गेट्स इन क्राउड्स, ये बड़ी तादाद में आते हैं इकट्ठे, द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स, लेकिन आसमान पर क्या, जब बादल चलते हैं आसमान पर वो क्या हमें लगते हैं, फ्लोटिंग माउंटेन्स की तरह वो चलते हैं, फ्लोट हो जाते हैं, फ्लोट के तैरना हमें ये लगता है कि आसमान पर जो बादल होते हैं वो लगता है कि वो तैरते हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं माउंटेन्स, वो बिल्कुल आसमान पर तैरते हैं, ये जो ये क्लाउड्स होते हैं, फ्रॉम द होरिजन एंड द टेलिस्कोप ओवर्स बियॉन्ड देम लाइक इटर्निटी लेजियंस, फ्रॉम द होरिजन किसको बोलते हैं, द लाइन वायर द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ, उफ उर्दू में उसको बोलते हैं उफुक। होरिजन बोलते हैं कि आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, बहुत गहिर पर ऐसे कुछ में देते पहाड़ को नजर तरह चु तो बासा पहाड़ पे आसमान, पहाड़ तो आसमान से रलियाम, इस पहाड़ तो आसमान से रलियाम बासा तथा उर्दू पर वाना उफुक, द लाइन वायर द स्काई सीम्स टू मीट, अच्छे बासा कि इस लाइन अत आसमान तो बेई पहाड़ से रलियाम, बस ये जमीन आसमान से पहाड़ से रलियाम आसमान से अच्छे वन होरिजन, तवे दपा फ्रॉम द होरिजन एंड द स्टेनलेस स्काई, अत होरिजन पे क्या बासा स्टेनलेस स्काई क्लियर, मौसम गर्मा मे आसमान बिल्कुल साफ साफ शफाफ आसमान, स्टेनलेस माने को क्लियर, मैंने यहां पर लिखा है स्टेनलेस क्लियर साफ साफ शफाफ आसमान बासा, अपर मौसम गर्मा आसमान पे ओपनस बियॉन्ड देम लाइक इटर्निटी, हालांकि हमें यह लगता है इट इज कंटिन्यूसली रोज बिल्कुल साफ, ऑल आर अंडर द शाइनिंग सन, वेदर इट वॉज द सन द बीट्स द रिवर एंड कॉर्न फील्ड्स, बिल्कुल साफ आसमान,
बियॉन्ड द लाइक एटर्निटी, एटर्निटी के मैंने लिखा है इनफिनिटी ड्यूरेशन, जन्नत, हमें जन्नत लग रहा है ये मौसम, उसमें गर्मा में हमें जो दुनिया की जन्नत लगती है. All things rejoice beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields and the reeds. All things rejoice. सभी चीजें rejoice करते हैं, खुशी मनाते हैं. सभी चीजें खुश होते हैं इस मौसम गर्मा में. Beneath the sun, इस धूप में, जो मौसम गर्मा में जो धूप होते हैं, इस सन के नीचे, beneath के माने नीचे, सन के नीचे तमाम चीजें खुश होती हैं मौसम गर्मा में. द वीड्स, वीड्स के माने जंगली पौधे ये भी खुश होते हैं. द रिवर, जो ये रिवर होता है, जो दरिया होता है, ये भी चलता है इस मौसम गर्मा में, बड़े मजे से चलता है वो. एंड द कॉर्नफील्ड्स, जो अनाज के जो ये फील्ड्स होते हैं, जो खेत खलियान होते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं इस मौसम गर्मा में. एंड द कॉर्नफील्ड्स एंड द रीड्स, और जो ये रीड्स होते हैं, रीड्स के क्या माने हैं, पानी के पास उगने वाली लंबी लंबी घास, जो बड़े 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 झील होते हैं, उन झीलों के पास, उन झीलों के नजदीक, उस पानी झील का जो झील में जो पानी होता है, उस पानी के नजदीक जो घास उगती है, उसको बोलते हैं रीड्स. द रिवर एंड कॉर्न एंड द रीड्स, तमाम चीजें ये खुश होते हैं इस मौसम गर्म में. रिवर भी खुश होता है, कॉर्नफील्ड्स भी बिल्कुल अच्छे लगते हैं, चमकेला लगते हैं हमें. एंड द रीड्स, और ये लंबी लंबी घास जो पानी के नजदीक होते हैं, ये भी अच्छे हमें लगता है, ये भी बिल्कुल खुश होते हैं, हमें खुश करती है. द विलो लीव्स दैट ग्लांस इन द लाइट ब्रीज एंड द फर्म फोलेज ऑफ द लार्जर ट्रीज. दो विलो लीव्स होते हैं, जो बहीद का दरख होता है, कश्मीर पर ईर, इस ईर आसान है, ईर इन पंतुल, हम चा ग्लैंस करा, हम पक आसान चमक रहा था, हम चमका ग्लैंस चमक रहा, हम चमका ईर पंतुल या कुलिन पान मौसम गर्मास मे चमकान, जबरदस्त खुशवन शूबन तो लूबन बसान. इन द लाइट ब्रीज, इस ठंड हवा वा मौसम गर्मास मन पंतुल गूर गूर. एंड द फर्म फोलेज ऑफ द लार्जर ट्रीज, फर्म फोलेज के माने मजबूत पत्ते, मजबूत कुलिन मजबूत पंतुल ब्रीज, ठंड हवा वाचान गूर गूर ग बड़ा असल लगान अत मौसम गर्मास मन पतुल हवा मैं तौर ये फिक्र गस मसान मौसम गर्मा यह जबरदस्त खुशवन आरी लू खुशान सारी लू पे कान बच आसान मौसम गर्मास मे सुकून गसल पे पड़ान बेवस बे बक गिंदान क्रिकेट गिंदान वाली बॉल गिंदान अत मौसम गर्मास मे हत्या कि मौसम सरमा वंद तथ मे एक्टिविटीज करियर सिटीजन्स. ये पहला सिटीजन है, नाउ सिटीजन नंबर सेकंड. अब हम पहले सिटीजन में हमने मौसम गर्मा के बारे में हमने डिस्कस किया है, समर के बारे में हमने डिस्कस किया. अब दूसरे सिटीजन में हम विंटर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इट वॉज ए विंटर सच एज व्हेन बर्ड्स डाई इन द डीप फॉरेस्ट्स एंड द फिशेस लाई stabbed in the translucent ice which makes in the mud and slim of the warm lakes, a wrinkled claw as hard as brick and wan among their children comfortable men. It was winter such as when birds die in the deep forests. Mosme sarma mein kya hota hai, jo birds hote hain wo bilkul hame ye lagta hai ki wo bilkul wo mar chuke hain. In the deep forests, jo गने जंगलात होते हैं, बड़े जंगलात होते हैं, उनमें ये बर्ड्स बिल्कुल हमें ये लगता है कि वो मर चुके हैं. एंड द फिशेस लाई स्टिल इन द ट्रांसलूसेंट आइस, जो फिशेस होते हैं दरियाओं में, समुद्र में जो फिशेस होते हैं, जो मछलियां होते हैं, वो क्या है, वो बिल्कुल इस जो आइस होता है, आइस के नीचे दबा हुआ होता है, बिल्कुल वो हमें नजर नहीं आते हैं, बिल्कुल वो अंदर ही अंदर में रहते हैं. विच मेक्स इवन द मड एंड स्लिम ऑफ द वॉर्म लेक्स एंड रिक्लिट क्लॉड एज हॉट एज बिल. इस मौसम गर्मा में, इस मौसम सर्दी में हमें क्या लग रहा है, साइलेंट बर्ड सीम्स टू बी साइलेंट इन द फॉरेस्ट. जो बर्ड्स होते हैं वो हमें साइलेंट लग रहे हैं जंगलों में, उनका हमें कोई नाम निशान नहीं लगता है मौसम सर्दी में इन बर्ड्स का. एंड फिश लाइज स्टैम्ड इन द फ्रोजन वाटर, और जो ये मछलियां होते हैं वो बिल्कुल वाटर में, जो पानी में बिल्कुल अंदर ही वो अंदर में वो फ्रोजन हुए हैं, वाटर के अंदर ही वो फ्रोजन हुए हैं, वो जम हुए हैं, वो वाटर के बाहर, वो पानी के बाहर नहीं निकलते हैं ये मछलियां. अरेग्निन क्रॉड ड्यू टू विंटर हैज बिकम हार्ड एंड ब्रिक, और जो ये
जो ये पानी है एरिकुलर क्लोर ड्यू टू विंटर हैज बिकम हार्ड एंड ब्रिक जो ये पानी सर्मा में कशिर पर वन बात आपस लगा चुक कोर इसे बात सम ब्रिक सम हार्ड सम ब्रिक इसे ऐसा हार्ड ये कन सील सील हार्ड ऐसा इतनी पर्ची कोर लगा गो हम गार चने का नेवर नहीं है कहीं अग आपस thus all this seems to lightness due to winter which squeezes life out of them sabhi cheeze kya hame lag rahi hai mosmin sarma mein ya lifeless ho gaye zindagi ke baghair ho gaye hatta ki wo zinda hote hain lekin unki chehal pehal nahi hote hain sabhi cheezon ki sabhi jo jandar cheeze hain unki chehal pehal nahi hote hain mosmin sarma mein wo andar hi andar wo har ek jo birds wo bhi apni apni jagah hote hain hatta ki jo insaan hote hain wo bhi apni apni jagahon mein apne apne makanon mein hi rehte hain zyadatar बाहर नहीं निकलते सर्द की वजह से एवं द मड एंड स्लिम ऑफ वार्म लेक्स एंड रिक्लर क्लॉड एज हार्ड एज ब्रिक एंड व्हेन हता की जो मड होती है मड के माने कीचड़ होते हैं स्लिम ऑफ वार्म लेक्स हता जो बड़े बड़े लेक्स होते हैं मौसमी सर्मा में या मड होती है या जो लेक्स होते हैं सर्मा में उनको बिल्कुल कोरा कोरा हुआ लगा होता है अब चाहे मतलब मेज से चाहे सारा सारा कोर लगमुत जबरदस्त हार्ड एंड मैन एमंग देयर चिल्ड्रन कंफर्टेबल मैन गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स हता कि एमला क्या है एमंग देयर चिल्ड्रन एंड कंफर्टेबल मैन हता कि वंदस सम लॉकेट बच चिल्ड्रन अमंग लॉकेट चिल्ड्रन शुरी बच कंफर्टेबल मैन या नो इंसान आसा छ मर्द आसा छ मेल आ तुम क्या करन गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स तुम छ नारस अंदी बे कर वशने ईस्ट आसा वंदस सम सर्दी एंड यट फील कोल्ड तो तुम सर्दी कर महसूस गो वंदस मस जानवर तक सर्दी महसूस इंसान शुरी लॉकेट बड़ सही बेहतर अत नारस अंदे हम कर वशनर वंदस तुसा सर्दी हता कि तुम पत वस मज फिर लागान पत कांगर आनान कांगर आसान दोहस तपित तुच सर्दी महसूस गान गैदर अबाउट ग्रेट फायर्स हता कि लूख दुनिया वंदस मत नारस अंद एंड या फील कोल्ड तुच कर महसूस सर्दी अलाउज देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड और लास्ट क्या करें इकट्ठे होते हैं तेज आग के गिर्द और फिर भी महसूस करते हैं सर्दी हाय सोचो तब क्या होता होगा दे घर बोले बेकारी का हाल लास्ट पर मानो यही बना अलास अफसोस या फिर देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड जो वो इंसान हो जो बेगर होगा भीख मांगने वाला सो गचन वो या सो घर आस के सुखो दस गसा सिकायत है इस बयान लास्ट पर ये कह रहा है अलॉस अफसोस है इस बात का देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड उस बेगर को हमें जो भीख मांगने वाला होता है जिसका घर ही नहीं होता है जिसके पास कांगरी नहीं होते हैं जिसको कोई अपने पास नहीं नहीं बैठाता है उसको क्या होता है तस मुतलिक सोचें कि तस क्या गए सर्दी मज इस बिछन वो आज डियर स्टूडेंट्स दिस इज द समरी अबाउट दिस इज द पोएम द नियर बॉय समर एडवेंचर and I discuss with you in this offline class in detail dear students I hope you can understand this poem very keenly and also you write down these words on your english exercise notebook thanks